जिस जिस के आईडी 22 वीक्स हो चुके हैं वो आईडी ब्लॉक हो जाएंगी। सो आप रेडी रहिए 15 तारीख को विड्रॉ करने के लिए। 15 तारीख को बिटकॉइन में विड्रॉ होएगा, इथेरियम में विड्रॉ होएगा, और जो कैश वॉलेट का अमाउंट है वो बिटकॉइन और इथेरियम में होएगा। जो ट्रांसफ़र वॉलेट का अमाउंट है वो आपको ICO टोकन में भी देगा, और कॉइन वॉलेट में भी जो है अमाउंट आपका वो ICO टोकन कंपनी देगी। तो आप ये दिन को बहुत इंपॉर्टेंट लीजिए। क्यों बोले तो अगर आपके 22 वीक्स हो चुके हैं तो आपकी आईडी कभी भी ब्लॉक हो सकती है। तो 15 तारीख को जब ऑप्शन ओपन होएगा विड्रॉ का तो आप तुरंत लगा लीजिए, तो आपको आईडी ब्लॉक होने पर नुकसान नहीं होगा। तो दोस्तों ये बात का ध्यान रखिए आप। अभी जो जो पेमेंट्स आने वाले हैं कैश वॉलेट में, इसको आप बिटकॉइन में विड्रॉ कर लो, बेटर ऑप्शन है। और एक जो ट्रांसफ़र वॉलेट में है, ट्रांसफ़र वॉलेट में जो भी आपका अमाउंट रखा हुआ है ये आप ICO टोकन में विड्रॉ कर सकते हैं, और कॉइन वॉलेट में जो जो अमाउंट है आपका वो आप ICO टोकन में विड्रॉ कर सकते हैं। आपके फ़ोन में कोई भी वॉलेट में पैसे ना छोड़े अगर आपके 22 वीक्स हो चुके हैं। ये आप बात को सीरियसली लीजिए और नुकसान से बचिए। ठीक है दोस्तों, मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको अपडेट देते रहूँगा एडवाइज़ के रिलेटेड। धन्यवाद दोस्तों, शुक्रिया।